ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम सभी को एकजुटता से संघर्ष करना पड़ेगा। और जो तस्वीर जनता कर्फ्यू के दिन आई थी, यानी कि कल के दिन जो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, वैसी ही तस्वीर हमको 31 तारीख तक दिखा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे नजर आए हैं। आज लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। शहर के अंदर चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी उम्मीद शायद इतनी नहीं थी कि एकदम से इतने सारे लोग वापस सड़कों पर आ जाएंगे। और बाजार के अंदर सब्जियों की दुकान पर, राशन की दुकान पर बेवजह सड़कों के ऊपर भीड़ लगी हुई है। सरकार कोशिश कर रही है, प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक व्यवस्था कल शाम को बैठक कर बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि जितने भी ठेले वाले हैं, सब्जी की दुकान जो लगाते हैं, ये लोगों को बिल्कुल पास पास में नहीं रखेंगे। एक एक मीटर की दूरी लोगों के बीच में होगी। और ठेले वालों के साथ बैठक में ये निर्णय किया गया था कि जो इनके ठेले बाजार के अंदर लगेंगे, वो 5-5 फीट की दूरी पर लगेंगे, जिससे कि लोग एक साथ इकट्ठा ना हो पाए। साथ में लोगों के जो इनके ग्राहक हैं, जो शहरवासी हैं, जब सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ये पाबंदी किया गया था कि लोगों की जो दूरी होगी वो 1-1 मीटर की दूरी रखनी है। लेकिन आज जो तस्वीर ये निश्चित के सामने आ रही है, जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रशासन को, सरकार को, ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है, बेहद लापरवाही वाली है। यानी कि सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरीके से आ जाएंगे। लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही इस वक्त दिखा रहे हैं, वो बेहद चिंता की बात है। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। पुलिस के जवान लगातार अब जो सब्जी की दुकान है उनको एहतियात, उनको जागरूक कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जो दूरी है, जो निर्धारित दूरी तय की गई थी, उतनी दूरी को रखिए। अपनी दुकान के ऊपर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा मत होने दीजिए। सामान तुरंत दीजिए और उनको तुरंत अपने घर के लिए रवाना कीजिए, उनको घर भेजिए। इसके साथ में कुछ जगह से सूचनाएं ऐसी भी थी जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी, वहां पर व्यवस्था 1-1 मीटर दूरी खड़ी करने के लिए नहीं की गई थी। वहां पर तुरंत पुलिस प्रशासन पहुंचा है, वहां पर जाकर लोगों से समझाइश की गई है, दुकानदार को भी समझाया गया है। कुछ ऐसी दुकानें भी शहर से आई हैं जो आवश्यक जरूरी उत्पादों के अंदर नहीं आती है, उन्होंने भी आज अपने दुकानों को खोल दिया था। उनकी शिकायत जब पुलिस ने जब गश्ती की है, पुलिस जब राउंड पर थी, तो उस दौरान देखने में ये तस्वीरें भी आई हैं। और उसको तुरंत प्रभाव से पुलिस ने सख्त पाबंदी के साथ में उनको बंद करा दिया गया है। लेकिन फिर भी एक बार फिर पुलिस और प्रशासन जो है वो यही अपील शहरवासियों से कर रहा है कि आप जब जरूरत की जो चीज़ हो उसी को लेने के लिए निकलिए, और लेते ही तुरंत अपने घर वापस जाइए। जनता कर्फ्यू वाली स्थिति जो पूरे देश को, दुनिया को हमने दिखाई थी, हिंदुस्तान ने दिखाई थी, वही तस्वीर हमको 31 मार्च तक रखनी है। लॉकडाउन की जो स्थिति बनाई है 31 मार्च तक की, उस स्थिति को लेकर भी लोगों में कुछ संशय बना हुआ था। लोगों में ये था कि ये जो सब दुकानें शायद कल नहीं खुलेगी, परसों नहीं खुलेगी, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन नहीं है। 31 मार्च तक लॉकडाउन का मतलब केवल इतना है कि आपको अपने घर पर रहना है, किसी प्रकार से अपनी कामों पर नहीं जाना है। जरूरत की जो भी चीजें, जिसमें दूध, राशन की दुकान है, मेडिकल है, ये तमाम दुकानें खुली रहेंगी, इनके लिए पैनिक होने की सिचुएशन नहीं। आज के जो हालात हैं ये बेहद चौंकाने वाले हालात हैं, और लापरवाही लोगों को अपने ही स्वास्थ्य के प्रति नजर ये दिखाती है तस्वीर। और कहीं ना कहीं हमको ही कोशिश करनी होगी कि हम अपने घर पर ही रहें, और जरूरत का सामान स्टॉक करने की भी जरूरत नहीं। एक तस्वीर ये भी हमें नजर आ रही है बाजार के अंदर कि लोग जो सामान है उसका स्टॉक करके रख रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को स्टॉक के इस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी महामारी की सिचुएशन नहीं है। सामान का जो आदान प्रदान है, जो आवाजाही की जो वाहन है इनके सामानों को लाने वाले, वो तमाम चीजें अभी इस वक्त चल रही हैं। उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है पूरी तरीके से। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर नजर आई है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा बैठक लेनी पड़ेगी और एक नई व्यवस्था शहरवासियों को देनी होगी। सब्जी मंडी के अंदर भीड़ इतनी नहीं है। हाँ, ये सब्जी आवश्यकता की चीज़ें थी, इनको 5 मीटर दूरी पे ठेला लगाने के लिए इनको कल आग्रह किया था, सबकी मीटिंग ली गई थी। परंतु अगर अजमेर की पब्लिक द्वारा ये जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उसके लिए इनको जिस प्रकार से एडवाइज़ किया गया है, और मुख्यमंत्री द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, मुख्यमंत्री महोदय के अक्सर से अक्सर पालना के लिए इनको
अभी सख्ताई से कदम उठा के और इनको संक्रमण से रोकने के लिए कोरोना की इनकी सुरक्षा हेतु और अजमेर शहर की सुरक्षा हेतु देश की सुरक्षा हेतु कदम उठाए गए हैं। हमने इनको आग्रह किया गया है, आग्रह करके और सख्ती से इनको ये सब्जी मंडी खाली करवाई जा रही है। अजमेर के लोग सब्जी मंडी आए या नहीं आए, क्या व्यवस्था है? अब जो अजमेर के लोग सब्जी मंडी आए हैं, लेकिन हमने इनको कल आग्रह किया था मीटिंग लेके कि 5 मीटर दूरी पर प्रत्येक थैला लगावे, लेकिन इनके द्वारा उसकी अक्सर से अक्सर पालना नहीं की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय के जो एडवाइजरी जारी की है उसकी पालना नहीं करने के कारण हमने इनको अभी भी आग्रह किया है कि ये आवश्यकता की चीज़ें जनता को हम कतई परेशान नहीं होने देंगे। जनता की जो आवश्यकता की वस्तु है वो हम बिल्कुल हर सूरत के अंदर उपलब्ध कराएंगे। जनरल किराना स्टोर है, दूध है, ये मेडिसिन है, ये सब्जी है, हम कतई किसी प्रकार की कोई प्रशासन द्वारा समस्या नहीं आने देंगे। और हमने इनको आग्रह किया है कि अगर आप गली मोहल्ले में जाके थैले से भी आप फेरी लगा के और सब्जी और आवश्यकता की फल फ्रूट है जो भी चीज़ें हैं आप वितरण कर सकते हैं, उसके लिए हम कतई हम आपके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। बोले भीड़ मत करो, ये बंद करो, 11 बजे तक का टाइम है तुम्हारा, 11 बजे तक का टाइम दिया हुआ है और माल भी बहुत सारा बचा हुआ है, परसों का माल बचा हुआ था, कल तो बंदी थी तो वो माल लगाया वो भी नहीं निकल पाया और बचा हुआ है माल अभी भी, इन्हें बंद करवा दी। कोई संशय बना हुआ है क्या सरकार के आदेश पर कि सब्जी मंडी खुली रहेगी और लोग आ रहे हैं, ऐसा कोई संशय बना हुआ है? संशय तो बना हुआ था, बोला था भाई सब्जी वाले ये तो अलाव है, मतलब गेप बना के मतलब डिफरेंस मतलब कितने फुट की बताइए, हाँ दूर दूर है, पाँच मतलब इतने में लगाओ 5 मीटर की दूरी पे और मतलब भीड़ मतलब लगाओ ज़्यादा। आपका नाम संजय। बड़ी मंडी है ना, उसको आपने खुलवा दी सुबह, उससे ये फुटकर आदमी क्या करेगा, बेचारा गरीब आदमी लेके फंस गया, अब उसको सेल तो करेगा ना, अब कच्चा सौदा बिगड़ जाएगा शाम तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से ये चाह रहे हैं सर कि बड़ी होलसेल मंडी बंद करा दो, सारी सब बंद हो जाएगी, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुबह सुबह खोल दी उसको 4 बजे से और बड़ी मंडी। आप लोगों के पास सब्जियां हैं? हमारे हमने खरीद ली, हमारे को बोला क्या कि ओपन है सब्जी और वो, इसलिए हमने खरीदी है, फुटकर आदमी कहाँ जाएगा बताओ? ठीक है, नाम बताओ आप। अनुप चौहान। बाजार में सब्जी की दुकानें और राशन की दुकानें दोनों खुली हुई हैं अभी, अभी ऐसा कहीं कोई ऐसा नहीं है कि बाजार में हम दुकानें बंद करा रहे हैं, एक जगह कई जगह ऐसा हो रहा है कि जो सब्जी के ठेले हैं उन पे लोगों में शायद थोड़ा सा पैनिक था, हमने लोगों को समझाया कि सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, दुकानों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस करा दिया है ताकि एक जगह कहीं भी भीड़ दिखाई ना दे। समय को लेकर कोई ऐसी पाबंदी है क्या कि इस समय तक ही दुकान खुली रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं, बेसिक सब्जी हैं, दूध है, ये दुकानें तो खुली हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम बंद करवा रहे हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं। सब झुंड में बाहर ना निकले, लोग झुंड में ना निकले, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो आवश्यक सामान है ये आपको मिलेगा, इसमें कोई बंदी नहीं है, तो आप पैनिक ना करें, घरों में रहें और जब ज़रूरत हो तभी आप सामान निकले, सामान लेने के लिए निकले, ये नहीं कि इकट्ठे निकलें आप होर्डिंग करके रख लें घर में कि कहीं बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है, दुकानें सब्जी की खुली रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।